तालीम डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कि सब एक सफ में खड़े रहते हैं। आक्रांता चिश्ती आया नहीं होता, आक्रांता चिश्ती आया के बाद आक्रांता चिश्ती आया के बाद उठा है। दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले नहीं किया। लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले नहीं किया। लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले नहीं किया। कोई जबरदस्ती कबूल नहीं किया, ये बात क्लियर होना चाहिए कि कोई भी आदमी तलवार की धार पर इस्लाम कबूल नहीं किया, वो इस्लाम से मुतासिर होके इस्लाम के टीचिंग्स को आज भी हो रहा करते हुए इस्लाम कबूल किया, आज भी हो रहा है। बिल्कुल कोई ओके, आपने अपनी बात को रख लिया। किसी भी न्यूज चैनल एवं अखबार को किसी भी धर्म जाति पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। किसी भी धर्म एवं धार्मिक गुरुओं का अपमान करने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया गया है। लेकिन चैनल न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन ने गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती को अपशब्द कहा। आखिर एंकर को किसने ये हक दिया कि वे किसी भी धर्म के सूफी संतों को लुटेरा कहे? बता दें, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हैं। उनकी दरगाह देशवासियों की आस्था का केंद्र है, जहां पर हर धर्म व जाति के लोग आस्था के साथ हाजिरी देते हैं। एंकर ने उनकी शान में तौहीन व गुस्ताखी करके करोड़ों लोगों की आस्था व भावना को ठेस पहुंचाई है, जिससे भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों में रोष है और उनके करोड़ों मानने वालों के दिल आहत हैं। सबसे पहले ऐसे लोग अपने न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए सभी धर्मों के अनुयायियों गुरुओं को बुलाते हैं और फिर उन्हीं के धर्म और धार्मिक गुरुओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जो किस तरह सही है। हम सभी भारतवासी हैं, भले ही हम विभिन्न जाति विभिन्न धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, लेकिन हम सभी सबसे पहले भारतीय हैं। हम प्रभु श्री राम को भी मानते हैं और रहीम को भी मानते हैं। दिवाली के साथ अली का नाम जुड़ा है, तो वहीं रमजान के साथ राम का। इसीलिए मांग की जा रही है कि न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन ऑन कैमरे पर आकर माफी मांगे और अपने शब्दों को वापस लें। साथ ही सभी धर्मगुरुओं से निवेदन किया गया है कि वे ऐसे कार्यक्रमों में न जाएं, ताकि ऐसे कार्यक्रम ना हो सके और कोई धर्मगुरुओं का अपमान ना हो। बता दें कि अमीश देवगन का विरोध बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले समय में इनकी गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन भी बढ़ सकता है। इसी के साथ इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र पर भी शिकायत की गई है। मांग की जा रही है कि न्यूज 18 इंडिया के एंकर व मैनेजिंग डायरेक्टर अमीश देवगन व न्यूज 18 इंडिया के राहुल जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, जिससे देश सौहार्द का माहौल बना रहे। आखिर सवाल ये उठता है कि कब तक न्यूज चैनल यूं ही देश के सौहार्द को आहत पहुंचाते रहेंगे, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए यूं ही धर्मों पर डिबेट करते रहेंगे। इन पर कार्यवाही होना जरूरी है, ताकि कोई भी न्यूज चैनल किसी भी धार्मिक गुरुओं को आहत ना पहुंचाए। देखिए, मुकदमे तो इन पे पिछले 6 साल से होना चाहिए थे गोदी मीडिया पे, हम देर कर रहे हैं। ये इनका कम्युनल एजेंडा है, जो पिछले साल से जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है ना, तब से बकवास करते चले आ रहे हैं। और जो इनके दिलों जो जबान से फूटा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में, जो इन्वेडर बताया, आत्मकारी बताया, ये जितने भी श्रद्धालु हैं गरीब नवाज के, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, सब धर्म के लोगों को आस्था पहुँचिए। और सुदर्शन चैनल तो सुबह से रात तक इस्लाम और मुसलमानों की बेइज्जती करता रहता है। आज हम दरगाह के जितने मुतालिकीन हैं, खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज हैं, दीवान साहब के सुपुत्र हैं, हम सब ने मिलकर जॉइंट रिपोर्ट दायर की है। और ये कोई नई बात थोड़ी है गोदी मीडिया की, इनका काम सिर्फ इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। और हमें इस चीज़ का सख्त गुस्सा है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये क्या होता है, ये भारतवर्ष अच्छी तरह से जान लेता। दरगाह के बाहर हम इनका पुतला जलाते, पूरी गोदी मीडिया का। कोविड 19 होता है, मुसलमानों ने कर दिया, कुछ होता है मुसलमानों ने कर दिया, ये हुआ मुसलमानों ने कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो सर्कुलेट हुआ, जिसमें एक न्यूज़ 18 न्यूज़ चैनल के जो एंकर हैं, वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की शान में बहुत गुस्ताखाना, मतलब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते।
और ऐसे अल्फाज नाकाबिले बर्दाश्त हैं। नेशनल मीडिया एक जिम्मेदार मीडिया देश का, और उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी की भी धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुँचे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह का दरबार एक गंगू जमनी तहजीब की मिसाल है पूरे मुल्क में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह जिन्होंने हिंदुस्तान में आके गंगू जमनी तहजीब कायम की, जिन्होंने गंगू जमनी तहजीब की नींव रखी, जिनके दरबार में आज भी तमाम मज़हब के बिना कैदे रंग नस्ल लोग यहाँ आते हैं और अपनी अकीदत का नजराना पेश करते हैं, उनकी शान में कोई भी गुस्ताखी की गई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसी सिलसिले में हम लोग जो दरगाह से जुड़ी संस्थाएँ, अंजुमन खुद्दाम ख्वाजा साहब हैं, दीवान साहब की तरफ से मैं हूँ, हम लोगों ने एक SHO साहब को शिकायत दी है जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, और इसमें हमारी तरफ से मांग की गई है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज एक क्लिप वायरल हो रही है, सब जगह गश्त कर रही है, जिसमें अमीश देवगन नाम का एंकर जो न्यूज़ 18 के अंदर एक प्रोग्राम में बैठ कर के वो डिबेट हो रही है, उसमें ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर के उसने ऐसी टिप्पणी की कि जिससे ना सिर्फ हमारे बल्कि करोड़ों जो ख्वाजा साहब के चाहने वाले हैं, ख्वाजा साहब के आशिक हैं, जो भी सुनेंगे उन सब के दिल को ये ठेस पहुंच रही है। लिहाजा उसने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो हम अपनी ज़बान से ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गरीब नवाज का दरबार है, ये करोड़ों लोगों की अकीदत का मरकज़ है। लिहाजा आज उसके ख़िलाफ़ हमने यहाँ पर अंजुमन सैयद ज़ादगान की जानिब से FIR लॉन्च की है, जिसमें तमाम लोग यहाँ पर शरीक हुए हैं, हमारे जितने भी मुतअल्लिक़ीन हैं दरगाह शरीफ से, लिहाजा उसके ऊपर मुकदमा दायर किया है और FIR की है। न्यूज 18 चैनल के एंकर श्री अमीश देवगन द्वारा कल 15/6/2020 को आर पार नाम के प्रोग्राम में ख्वाजा साहब के संबंध में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करने के संबंध में दरगाह कमेटी अंजुमन व दीवान साहब तथा समाज के जिम्मेदारान द्वारा FIR पेश की गई है, जिस पे थाना दरगाह पे मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट।